दूसरे दिन भी रेस्क्यू का काम जारी है और जो जानकारी अभी मिल रहा है कि तीसरा बॉडी भी महिला का मिल गया है। और ये देखिए कि ये सड़क था और इसी के बीच भूधसान हुआ था जिसमें तीन महिलाएं जमीन के अंदर समा गई थी कल दिन के 12 बजे। और अभी भी रेस्क्यू काम चल रहा है लेकिन BCCL की घोर लापरवाही के वजह से ये हादसा हुआ है, आउटसोर्सिंग के लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है और रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और ठीक वहाँ सामने अभी जयराम महतो जी भी डटे हुए हैं, उनके समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ ग्रामीण और लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि झारखंडी लोग कब तक इस तरह के बेमौत मारे जाएंगे, ना इन्हें विस्थापन किया जा रहा है, ना इन्हें ज़मीन के बदले में मुआवजा मिल रहा है। मिल रहा है तो सिर्फ मौत मिल रहा है। और मौसम भी देखिए कि खराब हो चुका है, बारिश होने की संभावना है और इस बीच रेस्क्यू का भी काम चल रहा है। और करीब देखिए कि ये रोड से करीब 30 फीट नीचे गड्ढा कर दिया गया है, 30 फीट नीचे रेस्क्यू चल रहा है, सड़क से 30 फीट नीचे रेस्क्यू का काम चल रहा है। देखिए कितना दर्दनाक हादसा हुआ है। जो देखो ऊपर में देखिए रोड के ऊपर एक एम्बुलेंस है उस, और ये बीच में सड़क हुआ करता था और 30 फीट नीचे अभी सड़क से 30 फीट नीचे अभी रेस्क्यू का काम चल रहा है, दो दो पोकलेन मशीन के द्वारा। और नीचे देखिए जो पीला पीला हेलमेट पहने हुए हैं वो BCCL के एक्सपर्ट अधिकारी कर्मचारी है जो रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। गोंदोडी जो धोबी वस्ती आउटसोर्सिंग के सामने जो घटना घटी है, प्रशासन कल की संख्या में आज कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया गया है। CISF के जवान हैं और धनबाद जिला प्रशासन, धनबाद पुलिस भी है यहाँ पर मौजूद, भारी संख्या में ग्रामीण भी है यहाँ पर।